नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। मुसलमान रमजान उल मुबारक महीने के बाद बड़े ही मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं, उसे ईद उल फित्र कहा जाता है। पूरे विश्व में ईद मुबारक बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इसी तरह पनवेल के पटेल मोहल्ला में सभी मस्जिदों में मुसलमान भाइयों ने बड़े खुशी से ईद मनाई। नई मुंबई आवाज की टीम की ओर से सभी मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलके मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। उपवास के समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने महीने भर के उपवास रखने की शक्ति दी। ईद के दिन कुटुंब, सामाजिक व सामूहिक दावत, पारंपरिक खाने, इत्र लगाना, नए कपड़े पहनना, तोहफे देना, दान धर्म करना आदि रूप में खुशियां मनाई जाती है। इसी तरह पनवेल के पटेल मोहल्ले में जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद एवं आदि मस्जिद के खुशी के माहौल में और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी गई। इस वक्त पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर, सभागृह नेता परेश ठाकुर, विरोधी पक्ष नेता प्रीतम भादरे, इनके साथ नगर सेवक, नगर सेविका, पुलिस अधिकारी एसीपी प्रदीप माने, सीनियर पीआई विनोद चौहान और मुसलमान भाई बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी मान्यवर ने ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के अवसर पर मैं सारे पनवेल वासी, नई मुंबई वासियों को और सभी को, आपके सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद खास करके रमज़ान ईद, रमज़ान के पूरे रोज़े रखने के बाद आने वाली ये ईद, ये हमारे लिए भाईचारे का संदेश देते आते हैं। पूरे महीना भर सारे लोग समय समय पर नमाज़ें पढ़कर उस वक्त भाईचारे के लिए, अपने परिवार के, समाज के हित के लिए जो नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद में इतने रोज़े रखने के बाद, इतने कष्ट उठाने के बाद जब ये ईद आती है तो सबके चेहरे पे खुशी होती है। आज का दिन ऐसा है कि इस दिन पर लोग आमतौर पर जो आपसे वाकिफ नहीं है उससे भी, और जिससे आपका किसी कारण आपसे कहीं उसमें अनबनाव, झगड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों से भी आप गले मिलते हो और एक दूसरे के गले गिले शिकवे भूल जाते हो। तो ऐसी ये ईद है, ऐसे ईद के मौके पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और इन सभी के जीवन में खुशहाली आए, यही हमारी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रार्थना है। सर्वप्रथम मी रमजान ईद निमित्त सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि एकच अल्लाला सांगतो की चांगल्या प्रकारे आमच्या पनवेलवासियांना मुबलक असं पाणी मिळो आणि चांगलं आरोग्य मिळण्यासाठी चांगले रस्ते आणि रस्ते स्वच्छ राहो, हीच आजच्या प्रसंगी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो। रमजान ईद आहे आणि रमजान ईदच्या निमित्त या इथे सगळीकडे अतिशय चांगलं असं वातावरण इथे आहे आणि ज्या वेळेला या सणाच्या निमित्ताने सर्व समाजातील सर्व स्तरावरचे सर्व लोक एकत्र येतात आणि हा सण ते साजरा करतात, खरोखर त्याच्यामुळे एक चांगलं असं सलोख्याचं वातावरण निर्माण होतं। या सणाच्या निमित्ताने मी सर्व माझ्या मुस्लिम बांधवांना मी ईदच्या शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आज पूर्ण महिनाभर, रमजान महिना पूर्ण महिनाभर उपास, कडक उपास करून मुस्लिम धर्मियांनीतील सर्व सब नागरिकांनी उपास करून एक पवित्र महिन्याचं साजरा केलेलं आहे आणि त्यानिमित्ताने आज ईद, रमजान ईद म्हणून साजरी होत आहे। सर्वीकडे आनंदाचं वातावरण आहे आणि असाच आनंदाचं वातावरण सर्वीकडे राहावं, त्याबद्दल मी सर्व धर्मियांना तसे मुस्लिम धर्मियांनाही शुभेच्छा, ईदच्या शुभेच्छा देत आहे। सॉरी, पनवेल पोलीस स्टेशनच्या आधीमध्ये एकूण 14 मस्जिद आणि एक दर्गा अशा ठिकाणी, ईदगा अशा ठिकाणी नमाज अदा केला जातो आणि माझ्या अनुभवाप्रमाणे पनवेल भागामध्ये
सर्व हिंदू आणि मुस्लिम बांधव एकत्र हे सण साजरा करतात. सगळ्या राजकीय पक्षाचे लोक आणि प्रत्येक धर्माचे लोक येऊन त्यांना शुभेच्छा देतात. आणि आता सगळ्याकडचं नमाज हा चांगल्या प्रकारे शांततेत संपन्न झालेला आहे. आम्ही सगळ्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहे आणि एकदम अमन प्रमाणे अमन आहे आमच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये. असंच सगळ्यांना आमच्या पोलीस बांधवांतर्फे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांतर्फे मी त्यांना शुभेच्छा देतो. ईद मुबारक. मैं मोहम्मद आरिफ शफीक अहमद पटेल, मेरी तरफ से, शेतकरी कामगार पक्ष की तरफ से, पनवेल वालों की तरफ से, पनवेल वालों को एक शुभकामना देना चाहता हूँ कि हम अमन से शांति से रहें. अस्सलाम वालेकुम. मैं जामा मस्जिद का ट्रस्टी होते हुए, ये मस्जिद माशाल्लाह 400 साल पुरानी है और इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है माशाल्लाह ऐसा है कि अंदर से देखेंगे तो 10 गुंबद दिखते हैं और बाहर से देखेंगे तो आप सिर्फ एक ही डोम दिखता है. ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, पत्थर का बना हुआ, बहुत पुराना 400 साल पुराना स्ट्रक्चर है. और ऐसे माशाल्लाह हम लोग सब, मेरे साथ में और 10 ट्रस्टी है, मतलब मैं पकड़ के 11 ट्रस्टी हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम होता है. अभी जैसा इफ्तार पार्टी हुई, अभी हम लोगों ने यहाँ से पूरे पनवेल में फितरे का अनाज जो होते गेहूँ और चावल वो सब तकसीम किए और भी बहुत से अच्छे काम होते हैं. मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद की शुभकामनाएं. आप सबको, सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक. हाँ, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे. सबको ईद मुबारक. वीडियो जर्नलिस्ट जाधव के साथ श्वेता बुहर की रिपोर्ट, नई मुंबई आवाज़.